हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि आप हेडलाइन में देख सकते हैं न्यूज़ आउटलेट का, इंडिया का जो आर काउंट है वो एक से भी ज़्यादा हो गया है और उत्तराखंड और मिजोरम में ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। तो हम इसी खबर को विस्तार रूप से जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आर काउंट होता क्या है। क्या है खबर में देखते हैं। कहीं जगह इंडिया में कोविड-19 है वो तेज़ी से फैल रहा है। आर काउंट क्या होता है, आर नंबर क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। आर नंबर से ये मतलब होता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है अगर वो कोविड-19 की चपेट में आता है। तो ये वैल्यू कोविड के म्यूटेशन के कारण भी बढ़ सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के डेटा के हिसाब से 8 स्टेट व 1 यूनियन टेरिटरी का आर वैल्यू नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा आर वैल्यू 1.52 है और उत्तराखंड में 1.28। जितना ज़्यादा आर वैल्यू होगा उतना ज़्यादा चांस है कि इन्फेक्शन तेज़ी से फैलेगा। अगर आर वैल्यू 1.28 के हिसाब से 100 लोग को अगर कोविड वायरस हुआ है तो चांसेस है वो 128 व्यक्तियों को ये वायरस फैला सकता है। इस चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं, अगर आर वैल्यू 1.1 है मात्र 60 दिन लगते हैं केसेस 1000 जाने तक। कोविड-19 के जो नंबर है वो बढ़ते ही जा रहे हैं राज्य में। ये घबराहट की बात इसलिए क्योंकि जो ये नंबर 0.96 से बढ़कर 1.2 के भी आगे जा चुका है। केसेस बढ़ना तो स्वाभाविक है, वो और वह भी डाटा में भी यही दिख रहा है। डेटा के हिसाब से इंडिया में अभी 3 करोड़ से लेके 3.5 या 4 करोड़ तक केसेस हो सकते हैं अगस्त तक, और उत्तराखंड के लिए ये बताया जा रहा है कि 3 से लेके 3.5 लाख के बीच केसेस आ सकते हैं अगस्त महीने तक। हमने जान लिया केसेस बढ़ने वाले हैं, अब हम जानते हैं कि इस सिनेरियो से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना होगा और वैक्सीनेशन लगवाना होगा, तब हम इस सिनेरियो से बच सकते हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए ताकि हम ये वेव रोक सकें। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब स्टेप्स फॉलो करें, कोई हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क पहनें और अपने चेहरे को ज़्यादा ना छुएं। तो अगर आपका इस लेक्चर को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।